एट द एंड ऑफ द व्लॉग मैं अंकिता को दूंगा उसका सरप्राइज गिफ्ट। तेरे पाँव पे अपलोडिंग करनी है तब वाई फाई नहीं चल रहा। हर होटल में पता नहीं कुछ ना कुछ सीन होता है अपलोडिंग के बाद। बहुत ज्यादा थक गए थे। 12:30 तक मैंने एडिटिंग थी ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। उसके बाद मैं सोचा खत्म करके सोता हूँ, मैं 2 मिनट का नैप ले लेता हूँ। 12:30 से 3:45 तक मैं सोफे पे सो गया। उसके बाद आँख खुली, लैपटॉप को देखा, बेड को देखा, लैपटॉप को देखा, बेड को देखा। मेरा बेड ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, सुबह उठ के कर लूंगा। तो सुबह उठ के इंटरनेट के नाटक चल रहे हैं। इसकी वजह से अभी ब्रेकफास्ट भी बाकी है, फिर चेकआउट भी बाकी है। बंद कर इसको अगले ब्रेकफास्ट के चलते। तो सिर्फ 12 मिनट बची है और हम लोग जा रहे ब्रेकफास्ट के लिए। मेरे को एडिटिंग का काम के लिए मैं फंस गया था क्योंकि वाईफाई का कोई सारा जुगाड़ करना था। मैं अरे यार फिर हम गलत फ्लोर पे उतर गए। पर ये सेकेंड डे हमारे साथ एक साथ कंटिन्यूसली हो रहा है कि हम लोग गलत फ्लोर पे उतर जाते हैं हमेशा बात करते करते। आज हम आपको दिखाएंगे ब्रेकफास्ट वाला जो पोर्शन है, मतलब रेस्टोरेंट जो है वो दिखाएंगे। कितना क्यूट है। तो ये है बूफे एरिया। आज हमारे पास है कॉर्न एंड पीस, उत्तपम है, उपमा है, जैसलमेरी चना, मेथी भाजी, पोहा, पार्सली पोटैटो, बेक्ड बीन्स, ऑरेंज है। ये नॉनवेज हम मान खाएंगे। ये है लाइव काउंटर फॉर ऑमलेट एंड पैनकेक्स, जो भी वगैरह बनानी हो वहाँ पे आपको मिलेगी। पूरी भाजी, परोठे मिलेंगे एंड बाकी सब। इन सब के अलावा भी ब्रेकफास्ट में मसाला डोसा, उत्तपम वगैरह जो आपको चाहिए तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं अपने टेबल से। और काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है, जलेबी वगैरह, तो हम आपको दिखाते रहेंगे। तो मैंने एक्चुअली लिया है उत्तपम एंड सारी चीज़ें एंड अंकिता ने क्या लिए हैं, तो अजीब से लग रही है या। और ये आ गई हमारी स्पेशल अमेजिंग यम्मी जलेबी। यहाँ पर आते ये नहीं खाया ना तो कुछ नहीं खाया। ओके गाइस, तो हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है। ये देखो अंकिता एज यूजुअल फोटोग्राफी करते हुए। वीडियो अपलोड हो चुका है, थैंक गॉड। थंबनेल का थोड़ा बहुत काम है, वो निपटा के नहा के देन चेकआउट। तो तैयार हो चुके हैं अंकिता की, ऑलमोस्ट पैकिंग खत्म हो चुकी। पैकिंग तो हो गई है पर छोटी मोटी चीज़ें ऊपर नीचे जो रह जाती है वो करनी है एंड देन यहाँ से निकलेंगे। दीक्षांत से कुछ मंगवाया तो वो शायद देने आएगा हमको एंड देन यहाँ से हम निकलेंगे जोधपुर के लिए। यहाँ पे कुछ काम है, करनी माता टेम्पल है एक्चुअली। यहाँ पे करनी माता टेम्पल है जो फेमस है रैट टेम्पल के नाम से, तो वहाँ पे हम जाएंगे। इट इज़ वेरी यूनिक, तो वहाँ पे जाना बनता है और उसके बाद वहाँ से कंटिन्यू करेंगे हम जोधपुर के लिए। तो चेकआउट मार लिया है, फिलहाल बजी है 1:30, हमको निकलना था यहाँ से 10 बजे। तो करनी माता टेम्पल अंकिता ने जो पहले सर्च किया था वो गलती से करनी माता स्कूल पे लेके गया था। तो यहाँ से हमको पहले तो हमको लगा है बस 3.5 किलोमीटर, उसके बाद पता चला नन 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 कितना किलोमीटर दिखा रहा था। इन शॉर्ट 40 मिनट के ऊपर रास्ता था और वो भी हाईवे की तरफ था। एक चीज़ हमने देखी कि जोधपुर के रास्ते में ही बीच में आता है तो हमको स्पेशली घूम के नहीं जाना पड़ेगा इतना। अगर घूम के जाना पड़ता तो शायद हमारा प्लान चेंज हो जाता। तो ये हम पहुँच गए हैं। तो प्रसाद वगैरह ले लिया हमने, इसके अंदर चूहों के लिए चने और पक्षियों के लिए दाने भी है और काफ़ी सारी चीज़ चुनरी वगैरह है। टेम्पल हमारे सामने ही है। अंकिता को अब डर लग रही है, अंकिता को अब सिर्फ चूहे दिख रहे हैं ना, बड़े बड़े पाँव के ऊपर से जाएंगे। अबे कभी कभी पता है एक मैंने वीडियो देखा था उसके वो पैंट के अंदर से घुस गया था, निकल ही नहीं रहा था, कूद रहा था वो आदमी। अंकिता पूरा मार्केट है जहाँ से आप चीजें प्रसाद वगैरह ले सकते हो। मुझे डर लग रही है। प्लान इसी ने बनाया है, अब इसकी समझ रहे हो? ये बेटा देख सो रहा है। हाँ सो रहा है।
मेरा तेरा पहुंच गया। किसान को हर कदम पे जो डर लग रहा है ना इसकी शक्ल में देख रहा है। अभी प्रॉपर जहाँ पे बहुत सारे रेड सब हम वहाँ पे जाएंगे। तो गाइस हम लोग ने दर्शन तो कर लिए अंदर, अभी और दर्शन करेंगे और थोड़े से अंकिता को चूहे वगैरह देखने, तो अंकिता को उसके लिए ले जाएंगे। देखने देखो, ये देखो गाइस हर जगह हर कदम पे क्या बोलते हैं इनको, काबा है ना। आ जाओ किधर, अब ये बात लड़कियों को नहीं समझा सकते ना। कहाँ जा रही है, इधर है ना। क्या हुआ, मुंह पे कबूतर है तो बेचारा बाहर जाने की ट्राई कर रहा था, मेरे मुंह पे आगे गिर गया गलती से। और अंकिता तो इतना डर रही है ना। अंकिता तेरे पाँव के पास बैठ। अरे बहुत मस्त दिखा था, इधर देख चूहे दूध पी रहे, देख आ जा इधर जा। एक सेकेंड, जितना डरोगे उतना डरेंगे। वहां जा एक फोटो लेता हूँ तेरा। नहीं सफेद नहीं है, नहीं यहाँ पे नहीं है। अंकिता तेरे पाँव पे गाइस, ये देखो अंकिता तेरे साइड में, ये रहा आजा अंकिता, अरे आजा पर ऊपर जाना है, आजा आजा। अरे धीरे धीरे आ जाओ यार, मेरे दिमाग ही काम, देख मेरे ऊपर से गया अभी ये। चल चल ना, अरे आजा। तो अंकिता डर रही है इसलिए वो आ नहीं रही ऊपर। अंकिता कोशिश करना आने की प्लीज, मना कर रही है। कबूतर आई है, चूहा तो नहीं पर हमको एक कबूतर देखने मिला सफेद। अंकिता तो आई नहीं पर मैं वापस नहीं जा गया। अंकिता बस वीडियो फोटो ले रही है, हो रहा है देख। एक्सपीरियंस था, पहली बार देखा ऐसा कुछ। और अंकिता तो अभी भी हिली हुई है। हाँ बोले यहाँ ये तो 5% भी नहीं है, शाम को आओगे तो दिखेंगे, अभी सब आराम कर रहे होते हैं। तो अभी अभी हमने प्रीमियर अटेंड किया, तब हमारे बीच में कुछ सब्सक्राइबर्स जो मिले थे, ब्लॉग नहीं कर पाए क्योंकि प्रीमियर चल रहा था एक साइड में। yes. वो लोग जा रहे हैं वहाँ पे, अभी हम शूज लेंगे। अंकिता को तो जो डर लगा है अंदर। यहाँ पे भी नहीं बैठ रहे थे क्योंकि यहाँ पे भी घूम रहे। ये भैया बोल रहे शाम क्या टाइम आओ, यहाँ पे पूरा भरा रहता है। क्या भैया आपका नाम, कि भैया यहाँ पे शूज के लिए सेवा देते हैं भैया। थैंक यू भैया। हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं एंड अब यहाँ से सीधा स्टॉप हमारा जोधपुर। वैसे फिलहाल तो दिखा रहा है अराइवल टाइम 7:15 का, हम तो ब्रेक लेते रहते, तो लेट्स सी 211 किलोमीटर है, अच्छी चीज़ है। फिर जोधपुर से अहमदाबाद हमको कम चलाना पड़ेगा कॉन्स्टेंट। अंकिता पे फिर से हो गया प्रैंक। अंकिता बहुत थक गई है, मुझे एक्चुअली बुरा लग रहा है। अंकिता आपने वो प्रैंक तो ऑब्वियसली देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। चौकी है धक्का मरवाने वाला प्रैंक। ऑलमोस्ट एंटर हो चुके हैं, वैसे 11 किलोमीटर और दिखा रहे हैं, बस एंटर होते हमने देखा एम्बुलेंस। तो क्योंकि रास्ते में मैंने अंकिता पे प्रैंक किया था तो 7:10 की जगह 7:30 दिखा रहा है और ऑलमोस्ट उतने बजे ही हम पहुंचे। वैसे जोधपुर में हमने होटल बुक किया रेडिसन, ये मैं बताना भूल गया था शायद से, नहीं कर रहा था करी डिसाइड, ठीक है बुक मैंने की थी नरेंद्र भवन, सारी वो होटल भेज दी थी फिर बोलते डिसाइड मैंने किया था। अब नेक्स्ट टाइम मैं तो बोल रहा हूं रिसर्च मत करना, अजीब चीला कुंटी है इसका मीनिंग मालूम है तेरे को, मेरे को भी नहीं मालूम, मैंने अभी वर्ड बनाया। तो ये है हमारी होटल रेडिसन, पहुंच तो गए हैं, अभी चेक इन मारेंगे हम यहाँ पे। बस मेन चीज़ है आगे हम प्लान क्या करेंगे आज का वो पता नहीं है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। रूम की मिल गई है सेकंड फ्लोर पे 212, ये है
ग्राउंड फ्लोर, यहाँ पे आएंगे हम बाद में देखने के लिए। लिफ्ट कहाँ बोला था? नहीं है ये लिफ्ट, ये है लिफ्ट। और एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पे रूफटॉप रेस्टोरेंट है जिसमें बूफे में हम जा सकते हैं फॉर वैलेंटाइन डे। मस्के मारने का सोच रहा हूँ। मस्के नहीं मार रहा हूँ, नहीं जाना तो सो जाते जाते। 212-9-10-11-12 ये रहा। तो हम डायरेक्टली आपको रूम टूर देते हैं, हम आपके साथ ही देखेंगे रूम। ये रूम टूर शुरू होता है अब। डर है ये है कि एनीवेज एंट्री में यहाँ पे होगा वार्डरोब, जो दिखाने की ज़रूरत तो ऐसा लग नहीं रही है, बट या दिस इज़ द वार्डरोब। ये है वॉशरूम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ होटल। ये है नहाने का और बाकी काम करने का। दिस इज़ द बेडरूम, मास्टर बेडरूम। नाइस, मुझे वैसा कुछ मम्मी को गिफ्ट देना है, काफ़ी टाइम से मिल नहीं रहा मुझे। सिटिंग एरिया, एडिटिंग टेबल जो मुझे ऑब्वियसली आजकल बहुत ज़्यादा काम लगता है, एंड टीवी, एंड जिसका मुझे बहुत अच्छा लगा, सिंपल एंड स्वीट होटल रूम है ना। एंड व्यू ऑब्वियसली दिन में देखेगा तो हम चिपका देंगे एज यूजुअल। एट द एंड ऑफ द व्लॉग मैं अंकिता को दूंगा उसका सरप्राइज गिफ्ट, तो कीप वॉचिंग एंड वेट। ओके गाइस, थोड़ा सा ट्विस्ट है स्टोरी में, वैलेंटाइन डिनर डेट है, अंकिता ने अभी तक बाल नहीं खोले, वैसे हम तैयार भी नहीं हुए वैसे वैसे है। रीज़न बताता हूँ, अंकिता की थोड़ी तबियत बिगड़ गई, तैयार होने का मन नहीं हुआ, बूफे बंद होने वाला है, तो हमने सोचा चलो कुछ नहीं तो पेट तो भर लेते हैं फिर भी। लेकिन अभी भी अंकिता का सरप्राइज तो है, तो वैलेंटाइन बेकार तो नहीं जाएगा फॉर श्योर। साथ में ही है, बेकार तो वैसे भी नहीं है, सच बताना कभी चूहे दिखाए मैंने कितने आज। तो या खाना खा लेते हैं फटाक से, ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखा रहे, ठीक है, बंद होने वाला है बूफे। तो ये है हमारा वैलेंटाइन डिनर, जो ज़्यादा सोचा नहीं था ऐसा, बट या ये बेसन गट्टा है जो इतना ज़्यादा पड़ा है, आपको देख के लग रहा होगा बढ़िया, आई लव दिस। और इसके अलावा ना बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे अंदर, बट वैसा कुछ मन नहीं है खाने का। एनी गेसेस अंकिता? नहीं, क्योंकि मेरे गेसेस हमेशा गलत होते हैं। भाई याद गेसेस होते तेरे। ठीक है, नो गेसेस। क्या तो कुछ पता ही नहीं है क्या है? जहां तक मुझे पता है ऐसे बॉक्स में क्या होता है। एक सेकंड, लोगों को दिखा दूं मैं। मियां भाई तनिष्क। ओह माय गॉड, लोगों को तो दिखा कर के। अंकिता एक से गलत बात है ये, मैं कितना प्यार से अरेंज करके बॉक्स लाया हूं तेरे लिए, ताकि तू तो तेरे पसंद की कोई भी अंगूठी इसके अंदर रख सके। मुझे पता ही था तेरे ऐसी भाईया। तो ये बॉक्स नहीं पसंद आया, तू कोई भी तेरी अंगूठी रख सकते अंकिता। अंकिता दीदी तो गिफ्ट की भूखी है, पर मैंने इस तरह से मैंने मांगा नहीं था गिफ्ट, पहली बात तो ये एक्सप्लेनेशन दे रही है लोगों के लिए। पर अंकिता तेरे लिए गिफ्ट मेरी तरफ से यही थी कि मैं तुझे ट्रिप पे लाया, तो मैंने कब बोला तेरे को कि मुझे और कोई गिफ्ट, जो मैंने मांगा सामने से नहीं मांगा। पर मैंने बॉक्स दिया ना, मेरी मर्जी से दिया, मेरी इच्छा थी, तो बॉक्स के लिए खुश रहता तू। पर ये चीज करके मजाक, पर मैंने मजाक कहाँ बनाया, अच्छी चीज नहीं थी मैंने तेरे को, खाली बॉक्स। ओके भाई, टेक टू। वाओ बेबी, थैंक यू सो मच, आई लव यू बेबी, यू आर सो। इसके अंदर तो तेरे पसंद की कोई भी अंगूठी रख सकती है। यार तू तो इंसल्ट कर रही है मेरे गिफ्ट की अंकिता, यार वेरी बैड। ये तो फ्री में उठा करके लाया होगा वो, उससे देखो क्या मैं लाया ना। फाइन, थैंक यू बेबी, इतनी यूजफुल चीज मेरे पास कभी नहीं थी, और इससे ज्यादा यूजफुल कुछ नहीं हो सकती थी। गाइस आपको दिखाता हूं रुको पहले। तो गाइस ये है डिजाइन रिंग की, कौन सी ये? इधर अभी बाग टाइम है, इधर आ गई। हाँ आ भी गई, क्यों मुझे तेरे पास, तेरी पुरानी अंगूठी मेरे पास पड़ी थी। हैप्पी वैलेंटाइन्स डे, सिंपल सा सादा सा ठगेरा व्लॉग था, बट ठीक है, मेरे लिए बहुत स्पेशल था, बिकॉज़ फर्स्ट टाइम हिरण ने ऐसा कुछ किया मेरे चॉइस को एग्जैक्ट मालिक जैसा मुझे पसंद है। हाँ गाइस, तो ये तारीफ करते रहेंगे, तब तक अपने मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गिव अवे के रूल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके कर लेना फॉलो, एंड लॉट्स ऑफ लव। गिव अवेज बढ़ा रहा हूँ वैसे।